بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل عزت बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान करीम की आयत पाक और हदीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नकल की है। अल्लाह तबारक ताला इखलास के साथ कुछ मेरे और आपके काम की बातें कहलवा दे, कहने की तौफीक अता फरमाए और हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। कुरान करीम की आयत का तर्जमा है कि क्या अभी वो वक्त नहीं आया ईमान वालों के लिए कि अल्लाह के जिक्र से उनके दिल नरम पड़ जाएं, उनके दिल दहल जाएं, उनके दिल डर जाएं। और हदीस पाक नकल की कि नेअमतान मग़बून फीहिमा कसीरुन मिनन नास, दो नेअमतें ऐसी है कि जिसके मामले में लोग बड़ी गफलत में पड़े हुए हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दो नेअमत ऐसी है कि जिसके मामले में लोग बड़ी गफलत में पड़े हुए हैं, एक है सेहत और दूसरी है फराग यानी फुर्सत। आयत पाक और हदीस पाक को देखकर मालूम होता है कि वक्त बहुत बड़ी दौलत और कुदरत नेमत है, बहुत बड़ी दौलत और नेमत, इससे बड़ी दौलत और नेमत दुनिया में कोई नहीं हो सकती। ये हदीस पाक जो मैंने आपके सामने नकल की है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचेरे चचाजाद भाई है, वो हुजूर से रिवायत को नकल करते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, सुनते जाइए उनके मुतालिक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाहु ताला अन्हु के ये बेटे हैं, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े आलिम। दुनिया ए इल्म में जब भी किसी के सामने इनका नाम आ जाए कि इब्न अब्बास ने कहा, खत्म हो जाए मामला। हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु इसको, इनको अपने करीब बिठाते थे। जब बड़े बड़े उलमा होते थे, बड़ी बड़ी मजलिसें लगती थी, हमेशा ये आगे आगे रहते थे। कम उम्र जवान बच्चे और इनको आगे बिठाएं,
तो दूसरे बड़े लोगों को ये होता था कि हम उम्र में बड़े, इल्म में बड़े, और ये बच्चा, इसको उमर, हजरत उमर आगे बिठाया करते। हजरत उमर के कानों तक बात पहुंच गई तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने एक मर्तबा कोई मसला पूछा, कोई आयत का मतलब पूछा, सब बड़े बड़े उलमा खामोश, कोई जवाब नहीं दे सकता। इब्ने अब्बास को आखिर में कहा, इब्ने अब्बास ने जवाब दे दिया। हजरत उमर ने कहा, देख लिया, मैंने सिर्फ इसको इसीलिए आगे नहीं बिठाया है, ये इल्म में बड़ा है। इनको हिब्रुल उम्मा कहते हैं, हिब्र के माने ढेर, बहुत बड़ा ढेर, गोया इल्म का ये अंबार है, इल्म का ढेर है। एक एक हदीस सुनने के लिए कि ये पता चल जाए कि फला सहाबी के पास बराए रात सुनी हुई हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कुरान की तफसीर, कुरान की आयत का मतलब उन्होंने डायरेक्ट सुना है, तो ये सफर करके जाते थे। एक मर्तबा बहुत दूर कई दिनों का सफर करके एक सहाबी के घर पहुंचे, आधी रात का वक्त, इन्होंने दरवाजा नहीं खोला, उनके दरवाजे पर सो गए। सुबह की नमाज के लिए वो सहाबी जब पहुंचे तो देखा कि कोई मुसाफिर पड़ा हुआ है, देखा कोई होगा मुसाफिर, नहीं पता कि अल्लाह के नबी का चचेरा भाई मेरे दरवाजे पर आ रहा। जब ये भी नमाज पढ़ के आए, वो भी आ गए, ये बैठे हुए दरवाजे पर, इब्न अब्बास जी मैं आया हूं, मैंने सुना है कि हदीस है तुम्हारे पास, वो लेने आया हूं। तो कब पहुंचे? कहा रात को इतने बजे आ गया, इतनी देर से आया, आगे बंदे मुझे उठा देते, घर के अंदर आराम करते। कहा नहीं, और आने करीम ने ये अदब सिखलाया है कि अगर किसी अहले इलम के दरवाजे पर जाओ तो शोर मत करो, उनको खटखटाकर नींद में खलल मत डालो, काम में उनको खलल मत डालो, उनके बाहर निकलने का इंतजार करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो कहा मैं अगर अमल नहीं करूंगा तो कौन? कहा तुम तो खानदान नबूवत के आदमी हो, हुजूर के खानदान के हो, तुम्हारे लिए क्या है? कहा कि अगर खानदान नबूवत के लोग इस पर अमल नहीं करेंगे तो फिर कौन अमल करेगा? इतना शौक था इल्म हदीस का, आज भी अब तफसीर हो, हदीस हो, फिका हो, इसरा हो, इब्ने अब्बास का नाम आ जाए सब खामोश कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने बात कह दी, बात खत्म। बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने ये हदीस को नकल किया कि दो नेमतें ऐसी है, नेमताने मकबूनन फीहिमा कथीरुम मिनन नास, और ये हदीस इमाम बुखारी के अलावा उनकी किताब के हवाले से नकल करते हैं अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रजी अल्लाह तआला। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक दूसरी सदी के आदमी हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाही अलैह के जमाना और हम असल लोग हैं, अपने जमाने के बड़े मालदार, बड़े अय्याश। लेकिन फिर एक दौर वो भी आया कि अपने जमाने के वली, सूफी बुजुर्ग, मुहद्दिस, मुफस्सिर, इल्म में, तसव्वुफ में, हर फील्ड में पहला नंबर। इनकी किताब है किताब ज़ब्त व रक़ाइक, ये दुनिया से कैसे मुंह मोड़ा जाए और किस तरीके से अल्लाह के नबी की वो हदीसें जिस जो दिलों को नरम कर देती है, वो हदीस नकल किए इन्होंने। ये अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह अपने जमाने में बड़े मालदार थे, बहुत मालदार, और अय्याशी के सारे सामान मौजूद। सेब का बड़ा बाग था इनका, एक दिन सोचा के लाओ फैमिली को लेकर हम सेब के बाग में चले जाते हैं, गाएंगे बजाएंगे वहां पर, जवानी के मजे उड़ाएंगे। जरा एप्पल का बाग था उनका, गोया फार्म हाउस कह लीजिए। तो वो वहां पर पहुंच गए अपनी फैमिली को लेकर, दोस्तों अहबाब को बुलाया, तो चलो आज गाएंगे, और ये गाने बजाने में भी नंबर अव्वल के माहिर अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बेहतरीन साज बजाते थे।
रात को इतनी देर तक बजाया कि नींद आ गई, वो सांस वो बाजा उनकी गोद में रह गया। सुबह में आंख खुली तो फिर उल्टे बिछाने पहले ही उसको बजाना शुरू किया तो वो बजता नहीं है, बहुत परेशान। बनाना भी जानते थे, कारीगर भी बहुत अच्छे थे इसके, लिहाजा बनाया, फिर देखा तो नहीं बज रहा, फिर बनाया, फिर बजाया। जैसे ही बजाना शुरू किया तो एक रिवायत के मुताबिक अंदर से आवाज निकल रही है, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अभी वो वक्त नहीं आया ईमान वालों के लिए कि उनका दिल, उनके दिल डर जाए अल्लाह के जिक्र से, कांप जाए कि मेरे सामने किसका नाम लिया गया, अल्लाह। वो डर जाना चाहिए मुसलमान जब ये सुने कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह, उसका दिल कांप जाए, उसका दिल नरम पड़ जाए, सारा गुस्सा ठंडा हो जाए, सारी जिद नाफरमानी बिल्कुल खत्म, अल्लाह का लफ्ज मेरे कानों में आ गया। तो एक रिवायत के मुताबिक ये कि आपको सांस में से आवाज आई, और बादों ने यह भी बयान किया कि आप जहां बैठे थे दरख्त पर एक परिंदा बैठा हुआ था, वो परिंदा ये बोल रहा था अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कुरान की आयत है 27वें पारे की, गोया परिंदा पढ़ रहा था वो आयत, समझ गए कि मेरी इस्लाह हो रही है फौरन। हालांकि अपने जमाने के इतने बड़े नाफरमान, लेकिन अल्लाह का नाम आते ही अल्लाह जब हिदायत देने वाले होते हैं, कहा ना कि अल्लाह जिसको चाहते हिदायत दे देते हैं, बस अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दे दी, फौरन कहने लगे बला या रब्बी कद आन, बला या रब्बी कद आन, क्यों नहीं ए मेरे अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे पालने वाले अल्लाह, वो वक्त आ गया और अभी आया। ये कहकर उन्होंने फौरन तौबा कर ली, और तौबा करने के बाद अपने आप को लगा दिया दीनदारी में, ईमानदारी में, अमानतदारी में, हदीस तफसीर में। फिर इतने बड़े इमाम बने, इतने बड़े इमाम बने कि कहिए नहीं कि उनका क्या हाल, कोई ये ना समझे कि वो गरीब होंगे अपने जमाने के, नहीं, ताकि उन्होंने दुनिया को छोड़ दिया, दुनिया को छोड़ दिया उन्होंने, उसके बावजूद उनके दस्तरखान के ऊपर 10-10 15-15 आइटमें खाने की होती थी। इस वक्त माल दौलत खूब होगी, जब क्या, जबकि उन्होंने दुनिया को छोड़ रखा, उस वक्त उनके दस्तरखान का ये हाल, कई कई लोग उनके दस्तरखान पर खाने के लिए बैठते थे, 50 गज 50 वार लंबा, 50 वार चौड़ा हॉल था, उसके अंदर लोग जरूरतमंद आते और खाने के लिए बैठते, लेकिन आप रोजे से होते, आप रोजेदार होते थे। ये हाल था हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का, इतने बड़े आलिम, ये गुमनामी की जिंदगी के अंदर चले गए। बगदाद के अंदर इन्होंने एक इलाका ले लिया, एक शहर के अंदर एक छोटी सी कोठड़ी और रूम ले लिया, रक्का जिसको कहते हैं, अब तो वो एक बड़ा शहर हो गया, फिर एक महल्ला हुआ, तो कहा कि ये रक्का के अंदर बस गए जाकर, छोटे से कमरे में बस नमाज के लिए जाते, कमरे में आते और हदीस पाक लिखते रहते, हदीस पाक याद करते रहते। किसी ने कहा इब्न मुबारक इतने बड़े बंगले में और इतने बड़े मकान में रहे, और यहाँ आने के बाद अब आपको कैसे दिल लगता है? कहा बस क्यों नहीं लगेगा दिल, अब तो इस रूम में मैं हूं और मेरा नबी है, इस रूम में मैं हूं और मेरा नबी, यानी नबी की हदीसें, ये मेरी जिंदगी का मकसद बन गया। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस लिखा करते थे, कहा कि हारून रशीद जो है ना, उनकी हुकूमत का दौर है, एक दिन वो अपनी वालिदा या अपनी बेगम के साथ बैठे हुए थे अपने मकान और बंगले के अंदर हवा खाने के लिए, देखा कि एक शोर उठा जोर से, आके आदमियों को दौड़ाया कि भाई क्या है ये, क्यों शोर उठ रहा है, कोई दुश्मन तो नहीं आ गया इस शहर के अंदर? जाकर कहा कि नहीं, अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक आज इस शहर के अंदर आ गए तो लोग उनके वेलकम करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए चले गए। तो उनके बेगम ने कहा कि ओ हारून रशीद, हुकूमत और बादशाह इसको नहीं कहते कि अपने पैसे के बलबूते पर रैलियां निकाल लो और लोगों की भीड़ जमा कर लो,
कहा ये देखो अल्लाह वाले लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हैं। बल्कि एक रिवायत में वाकया नकल किया है कि इब्ने मुबारक को छींक आई तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके जवाब में जो पब्लिक की मजमा था उन्होंने कहा यरहमुकल्ला, इतना शोर उठा कि पूरा शहर गूंज उठा। तब बेगम ने कहा असली हुकूमत तो ये है कि जो लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हैं, जो लोगों को पैसे के बलबूते पर जमा नहीं करते, जो लोगों को दावत नहीं देते कि आओ मेरे साथ, बल्कि लोग दीवाना वार उनके पीछे दौड़ते हैं, और दौड़ने वालों का मकसद माल दौलत नहीं होता, कोई सियासत और राजकरण की कुर्सी नहीं होती, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, हम भी अल्लाह करते करते सीख जाए, हमें भी अल्लाह अल्लाह करते आ जाए, अल्लाह वालों के पीछे ये दीवाने होते हैं। खैर इब्ने मुबारक का वाकयात अगर सुनाया जाए तो बहुत वक्त निकल जाएगा। भाई बच्चे शोर बेटा कम करो, जरा बात सुन लो, और मैं बहुत अदब से कहूंगा उन लोगों को जो दीवार से टेक लगा के बैठे हैं, ये सब खाली है, इस तरफ आ जाओ। मस्जिद का अदब है भाई, अल्लाह के घर में आए बहुत अदब से बैठो, आ जाओ भाई इधर आ जाओ, और अगर टोपियां नहीं है तो अपने सर के रुमाल निकाल, अपने रुमाल निकाल के सरों पर डाल दो। देखो भाई बहुत जगह खाली है, मेरे दाहिने हाथ पर, मेरे उल्टे हाथ पर भी, और इधर भी जगह खाली है, और भाई तुम लोग जगह खाली करो, जरा सुकड़ कर बैठो, ये बिचारों को जगह नहीं थी इसलिए बैठ गए पीछे, आ जाओ भाई आगे आ जाओ। देखो अल्लाह के घर का अदब करो, और डरे डरे आओ कि हम किसके घर में आए, आगे आ जाओ भाई, शर्माने की जरूरत नहीं है, मेरा घर नहीं है, मेरी मजलिस नहीं है, यह अल्लाह का घर है, ये नहीं कि नाक कट जाएगी कि मौलाना ने कहा फिर हम आगे आ गए, ऐसी बात नहीं है, आ जाओ भाई। हाँ कमर में दर्द हो तो और बात है, अल्लाह उन लोगों को शिफा दे दे, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। मस्जिद में बहुत अदब से बैठो। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला जब मस्जिद में आते थे अकेले नहीं आते थे, दो चार को साथ में लेकर आते थे, तो किसी ने कहा उमर मस्जिद में जाते हुए डर लगता है तुमको, कोई पकड़ लेगा, कोई खा जाएगा तुमको, कहा कि नहीं, हजरत उमर मुसलमानों का खलीफा, अल्लाह के नबी का सहाबी, बातें करता है और कुरान की आयत बना के अल्लाह नाजिल करते, इतना ऊंचा मकाम हजरत उमर का, वो उमर डरे डरे आ रहे मस्जिद के अंदर, का क्यों इतना सब डरते हैं, क्यों दो तीन को साथ लेकर जाते हैं, ताकि डर लगता है कि कहीं मेरी बेअदबी की वजह से अल्लाह मेरे ऊपर अजाब नहीं उतार दे, तो ये सब साथ है मेरे अल्लाह वाले लोग, इनकी बरकत से अल्लाह अजाब को रोक ले, इसलिए मैं दो तीन को साथ लेकर चलता हूं। ये हाल कहते हैं कि जब मस्जिद में कदम रखते थे तो चेहरे का रंग उड़ जाया करता था कि मैं कहां जा रहा हूं, बादशाहों के बादशाह के घर में, हम कितने खुश नसीब है अगर हमें हमारा मिनिस्टर सर्किट हाउस के अंदर बुला ले, तो हम कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसे अदब से जाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने, सीएम ने, चीफ मिनिस्टर ने, अरे सूरत के मेयर ने, अरे फला पार्टी का जो सदर है प्रेसिडेंट उसने बुला लिया है, ये बादशाहों का बादशाह, शहंशाह आलम, अहकमुल हाकिमीन का मकान है, यहाँ सजे दजे आओ, यहाँ खुशबू के साथ आओ, यहाँ अच्छा सर पे ताज, अच्छी टोपी बसा कर आइए, और अपनी टोपी लेकर आइए, मस्जिद की टोपियां मत ओढ़िए, मस्जिद की टोपी, मस्जिद के मुतवल्लियों से कहता हूँ टोपी रखना गुनाह का काम है, यहाँ बैठकर जिम्मेदारी से कहता हूँ मस्जिद में टोपी रखना सवाब का काम नहीं है, गुनाह का काम है। मुफ्ती अब्दुल रहीम लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रहीमिया के अंदर यह मसला नकल किया है, तआवनु अलल बिर्र वत्तक्वा वला तआवनु अलल इस्म वल उदवान, कुरान की आयत है, ओ लोगो नेकी और भलाई के काम पर मदद करो, गुनाह के काम पर मदद मत करो। का टोपी मेरे नबी ने हर वक्त ओढ़ी है, सफर में रहते तब भी ओढ़ते थे, बाहर जाते थे तब भी ओढ़ते थे, हमेशा टोपी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल की है, कोई दुनिया में नहीं है कि जो ये साबित करे कि टोपी नहीं ओढ़ी है, नहीं टोपी हमेशा ओढ़ी है। बाज़ लोग अपनी नादानी से ये कह बैठते हैं कि क्या टोपी के बगैर नमाज नहीं होगी, हो जाएगी, कुर्ते के बगैर भी हो जाएगी, बनियान और टी शर्ट और गंजी के बगैर भी हो जाएगी, नाप से लेकर के घुटने तक का छुपा कर आ जाओगे नमाज हो जाएगी, हो जाएगी।
लेकिन जब आप बाहर निकलते तो इतना सब पहनते हो, तो अल्लाह के घर में जब अल्लाह ने दिया है तो क्यों नहीं पहन कर आएंगे? खाना बगैर अचार के नहीं खाते हो, बगैर पापड़ के नहीं खाते हो, बगैर चटनी और बगैर मुरब्बे के नहीं खाते हो, ताकि इतने से धक्के हो तो गले के अंदर उतरेगा। तो ये भी टोपी, ऊपर का कुर्ता, ये भी अचार चटनी का चुंबक की तरह है। हाँ, बगैर मसाले के, नमक मिर्ची के खाना नहीं उतरता, तो ये भी नमाज का मसाला है, नमाज की मिर्ची है। हर चीज में क्वालिटी चाहिए। कपड़ा सिलाना है तो शानदार टेलर चाहिए, अस्तरी टाट कपड़े चाहिए, बिल्कुल कपड़े पहनना, क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी के काइल नहीं है आप भी। ब्रांडेड आइटम चाहिए, ब्रांडेड आइटम। आईफोन इस्तेमाल करना है, सैमसंग इस्तेमाल करना है, वो इस्तेमाल करना, ये इस्तेमाल करना। क्यों नमाज क्वालिटी वाली नहीं चाहिए? क्यों नमाज क्वालिटी वाली नहीं चाहिए? नमाज भी क्वालिटी वाली। आओ मस्जिद में आओ, अल्लाह के बंदो सुकड़ कर बैठो, दूसरों को जगा दो। मस्जिद में अदब होना चाहिए कि अल्लाह के घर में आया हूँ, मेरे अल्लाह ने मुझे बुलाया है। अल्लाह के घर का अदब इतना एहतराम हो, टेक लगाना ये मुसलमानों की शान नहीं है कि मस्जिद में ऐसे बैठे। पाकीज़ा वाले मुबारकबाद हो आपके लिए, कितनी शानदार मस्जिद बना दी है। जब आप लोगों से भी कहा जाए इदा कील लकुम तफसहू फिल मजालिस फसहू, जब कहा जाए कि जरा जगह को शादा कर दो, दूसरे भाइयों को भी बैठने की जगह मिल जाए, तो फिर कर दो, अल्लाह तुम्हारे लिए वसअत पैदा फरमा देंगे। क्या वादे कुरान करीम के। चलिए, खैर मैं दूसरी जगह पर चला गया, बात करते करते ये भी अच्छी बात थी, बयान ही के काम की बात थी। खैर, मैंने हदीस पाक जो पढ़ी है तो उसके अंदर अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के वाकयात सुनाकर वो हदीस नकल कर रहा हूं आपके सामने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाइयों दो चीजें ऐसी है कि जिसके मामले में हम लोग गफलत में पड़े हुए, हमें उसकी कोई फिक्र ही नहीं है, हम समझते नहीं कि कितनी बड़ी नेमत हमको मिली है। एक सेहत, तबीयत का अच्छा होना। फिर पूछो उन लोगों से जो बीमारी वाले हैं, जो रात दिन दवाएं खाते सुबह और शाम, क्या हाल है? एक शुगर वाले, प्रेशर वाले ले लो, इनको बेचारे पूरे महीने की दवा का दाम पूछो कि कितने की आती है। ऊपर से बदन बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो दीमक और उदय की तरह उनका बदन अंदर से कमजोर हो गया है। दवाइयां 1,500 रुपए की दवाएं आ रही है, हर महीने अपना खून दे रहे, टेस्ट करवा रहे, सुइयां खा रहे, कितने लोगों के इंजेक्शन खा रहे। दवा के अंदर अगर भूल पड़ जाए तो कैसी बीमारी बढ़ जाया करती है। कितने बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह सेहत नसीब फरमाए आप लोगों को भी। क्या है कि बीमारी वो अल्लाह ताला किसी सेहत को बहुत बड़ी कदर समझो। ये नहीं कि कल कोई बीमारी आ जाएगी उस वक्त हम अल्लाह की इबादत करेंगे, अभी कदर कर लो। हदीस पाक में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, इग्तनिम खमसन कबल खमसिन, ओ लोगो पांच चीजों को पांच चीजों के आने से पहले गनीमत समझो, पांच चीजों को पांच चीजों के आने से पहले गनीमत समझो। क्या क्या है? पहला लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, जवानों तुम सुनो, तुम्हारे काम की बात है। कहा गया कि जवान जवानी को बुढ़ापे से पहले, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो, कि जवानी कितनी बड़ी दौलत है। लेकिन जवानी पर नाज न करना, बॉडी पर नाज न करना। जवानी ये उर्दू है, इसको जरा गुजराती में ले जाओ तो क्या बोलेगा? ये जवानी जवानी छे रहवानी नथी, जवानी जवानी छे रहवानी नथी, यानी ये जवानी है, इसी के लफ्ज ने कह दिया। जवानी पर नाज न करना, तकब्बुर न करना। ये जितने बैठे सफेद वाले, इनसे पूछो कि कल तुम्हारी जवानी का आलम किया था। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जवानी तो वो थी कि कहीं कहीं मन वजन उठा लिए हैं। मेरे जवान को कहा जाए कि 5 किलो आटा चक्की पे पिसवा के ले आ, 5 किलो में तो इसके सांस चढ़ जाएगी। इसको ये भी पता नहीं होगा चक्की का, ये तो आटे वाले लोग हैं, और अब तो ये भी वो नहीं, ये तो पिज्जा वाले लोग हैं ना, पिज्जा और गड़बड़, अरे बर्गर, हाँ ये गड़बड़ वाले लोग हैं, बर्गर वाले लोग हैं ये तो। कम वक्त गड़बड़ में, शावरमा में और पिज्जा में क्या डालकर इनको दिया जा रहा है, कुछ सोचता भी है कि हम क्या खा रहे हैं?
वेजिटेबल को तो कहते घास फूस खा रहे, लेकिन वो ये घास फूस वालों को देखो अभी भी माशाल्लाह मस्जिद चल कर आ रहे, अभी भी मस्जिद आ रहे, वजन उठा रहे, घर के काम भी कर रहे, मेरे जवान से नहीं हो रहा है। जवानी की इन्होंने तो अपनी जवानी की कदर कर ली। ओ जवानों, ओ जवानों, अपनी जवानी की कदर कर लो। यही वली बनने की मौसम है, यही अल्लाह वाला बनने की कसम है। जमाना और उम्र यही है, बुढ़ापे में लोग वली नहीं बनते। वली जितने भी बने सबको देखो जवानी में बने हैं। जवानी असल मौसम है, जवानी अमल करने की है, जवानी इबादत करने की उम्र है, बुढ़ापे में नहीं है। बुढ़ापा तो अब यकीन आ गया कि न मुंह में दांत न पेट में आंत, अब होगा क्या, न उठती है लात, न लाटांग उठती है, न दांत है मुंह में, न पेट में आंत है, अब तो अल्लाह अल्लाह ही करेंगे। हाँ, एक भेड़िया फाड़ खाने वाला जानवर वरुण वो बैठ गया, या लायन या शेर बैठ गया और बिल्कुल अब तो कोने में बैठ गया, तो शियाल को तो जानते हो, जो लोमड़ी जब भी स्कूल में या पाठ में पढ़ा होगा तो पता चला कि लुच्चाई का किस्सा बयान करना हो तो लोमड़ी को ले आते हैं, शियाल का किस्सा बयान करते हैं। लोमड़ी ने देखा कि अब ये कुछ करने का नहीं है, जरा आज जाके एक थोड़ा नश्तर देवे इसको। क्या हजरत, क्या बात है, बहुत आराम के अंदर बैठे हुए हैं, कहीं जाते वाते नहीं है, उसको मालूम है कि मुझे पंजा नहीं मारेगा भी ये। कहा कि हाँ, अब तो मैं अल्लाह वाला बन गया हूं, मैं मुत्तकी बन गया हूं, मैंने तौबा कर ली है कि अब कोई को पंजा नहीं मारूंगा, कोई को फाड़ नहीं खाऊंगा। वो कहती है जब जमाना था तेरा पंजे मारने का, जब तू मुत्तकी बन जाता तो मुत्तकी यानी टेक लगाने वाला हो गया है तू, इसीलिए कहा दर जवानी तौबा कर दन शेवाए पयंबरी हस, दर वक्ते पीरी गुर्ग जालिमी शबद परहेजगार। जवानी में तौबा करना ये ईमान वालों का काम है, ये इंसानों का काम है। जानवर भी बुढ़ा होता है तो वो भी मुत्तकी बन जाता है। तो ये बुढ़ापा, खैर बुढ़ापे में भी कोई अल्लाह अल्लाह करने लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुढ़ों को गालियां दे रहा हूं, नहीं, बहुत गनीमत है ये बुढ़ापा कि जिसमें आकर अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी, इबादत करने की तौफीक दी। जवान ये कहेंगे हम भी बूढ़े होंगे तब भी ये कर लेंगे, हम भी ये करेंगे, अरे गारंटी है कि बुढ़ापा मिलेगा भी, गारंटी है कि बुढ़ापा मिलेगा भी। जब गुनाह नए नए तरीके से नाम बदल बदल कर आ जाएंगे, बेहयाई और बेशर्मी और नंगाई जब बात बदल नाम बदल बदल कर आ जाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया जवानी में मौत का इंतजार करो, जवानी में मौत आने लगेगी। हो रहा है ना, ये देखिए क्या हुआ, कोरोना के नाम पर जो कुछ दिया गया, जो कुछ लिया गया, उसको बदनाम किया जा रहा है कि वो वैक्सीन ली थी, ये ली थी, ये अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह का निजाम है। कैसे कैसे जवान फुटबॉल खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, जिम में वजन उठाए हुए, दौड़ते दौड़ते चलते चलते निकल गए। ये बेहयाई और बेशर्मी जब आम होगी तो क्या मौत बहुत जल्दी जल्दी वाकई होने लगेगी। ये बूढ़े तो काबिले मुबारकबाद है कि इनको बुढ़ापा भी मिला और कदर भी कर ली, सफेदी को बसा लिया इन्होंने चेहरों पर, मस्जिदों के फूटे बनकर रह गए। जो जवान है वो क्या ये गारंटी दे सकते हैं कि उनको ये बुढ़ापा मिलेगा? मेरे भाइयों, मेरे जवानों, ये वक्त है अपने आप को टर्न ले लेने का, अपने आप को मोड़ लेने का। अगर दुनिया के इतने हालात को देखकर अभी भी हम न डरे और हम किसी मिनिस्टर को, किसी वक्त के प्रधान को हम गालियां देते रहे, वो ऐसा कर रहा, वो पार्टी ऐसा कर रही, ये कर रही है, नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। ये जितने हैं हमारे बिगड़े हुए आमाल की बिगड़ी हुई शक्लें हैं, हमारे बिगड़े हुए आमाल की बिगड़ी हुई शक्लें हैं। ये मुझे और आपके लिए अलार्म है, तौबा करो, अभी भी माफी मांगो, अभी भी आ जाओ, कम अज कम भाइयों नमाजी बन जाओ। अल्लाह जज़ाए खैर दे दावत तबलीग के साथियों को, दरवाजों पर जा जा कर लोगों को नमाज की तरफ ले आते हैं। नमाज 100 ताड़ों की एक चाबी है, वो अपने चूरन आती है ना पेट की, उसके अंदर ये एडवर्टाइज में पढ़ा होगा 100 बीमारियों का एक ही इलाज, 100 ताड़ों की एक चाबी, और वो बतलाते हैं कि पेट अच्छा तो सब अच्छा, नमाज अच्छी तो सारे आमाल अच्छे। नमाज पर आ जाओ, ईमान भी, ईमान पर साबित कदम भी रहोगे। कुरान कह रहा है
बरसों से दावत और तबलीग वाले एक ही दावत दे रहे हैं। लोग कहते हैं कोई दूसरी दावत नहीं है, अरे मैं मुर्गी लाकर दे दी, पकड़ लो बच्चे तो खुद ब खुद आ जाए। नमाज को संभाल लो, नमाज के पाबंद बन जाओ, नमाज के आदि बन जाओ। जुमा पढ़ने आए हो इसको सुन्नत के साथ पढ़ो, ये नहीं कि सलाम फिरते रवाना हो जाओ। मुसलमान की शान ये नहीं होती, अल्लाह ने जुमा पढ़ने का वक्त दिया है, कदर कर लो, कदर कर लो इसकी कि जुमा के साथ सुन्नतों को भी पढ़ो। ये नहीं कि मस्जिद काटने दौड़ रही है हम भाग जाएं, हम दो रकात इसलिए पढ़ने आ गए कि महल में पता चल जाए कि हम भी मुसलमान हैं। नहीं मेरे भाई, अल्लाह के बंदो शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हमें नमाज पढ़ने के काबिल बनाया। कितने लोग हैं कि मुसलमान होने के बावजूद, मस्जिद के करीब रहने के बावजूद ऐसी तिजारतों में, ऐसे जॉब, ऐसी नौकरियों में लगे हुए, नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती। नेक आमाल के मामले में मैं और आप ये नहीं कह सकते कि मुझे फुर्सत नहीं मिलती। नहीं, हम कौन होते हैं फुर्सत वाले? अल्लाह फुर्सत नहीं देते। अभी वक्त है जवानों, तौबा करने का वक्त है। अल्लाह मुझे और आपको ये समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरे लिए भी दुआ कीजिए, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी जवानी की कदरदानी नसीब फरमाए। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।